महात्मा गांधी श्रीमान आपका स्वागत नारे सत्कार पधारे धन्य भाग मेरे आंगन में जो श्रीमान पधारे बड़ी भाग्य सब हुए आपने ये स्वागत के सितारे किस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही है किस भाव धन्यवाद देता हूँ कि वे बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मैं अपनी बात हिंदी साहित्य के बारे में सबसे पहले रखूँगा कि मेरा हिंदी साहित्य से बहुत लगाव रहा है क्योंकि मैं हिंदी की मिट्टी पर मैं भी पला बढ़ा हूँ और हिंदी के कारण डॉक्टर सतीश चंद्र भगत सर मेरे समीप हम भी उनके समीप आए यानी कि भाषा हम लोगों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। हिंदी भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उससे हम भी खुश नहीं हैं और इसके लिए जितने भी बौद्धिक लोग हैं हिंदी प्रेमी लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस भाषा को उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें जहां यह न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भाषा अंग्रेजी का स्थान ले सके तब यह हमारे लिए वाकई गौरव की बात होगी। इस दिशा में मुझे लगता है जैसे बहुत प्रयास अभी करना शेष रह गया है और एक छोटी सी गांव दरभंगा के बनौली में इतना अच्छा प्रयास और काबिल तारीफ है। मुझे कभी इतने ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी के किसी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हाँ लेकिन स्कूलों में तो कई बार मैंने भाग लिया है हिंदी साहित्य हिंदी दिवस के अवसर पर भी मैंने भाग लिया है लेकिन आज इतने ग्रामीण क्षेत्र में मैंने कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा हिंदी के प्रति लोगों में प्रेम है और हिंदी वह भाषा है जो कहीं से भी किसी भाषा से कम नहीं है।